You. California dreaming about you. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेदांत और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेम। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड से आपकी कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी जो भी वेबसाइट हो, सपोज़ वेबसाइट हो, वेबसाइट पेज हो, जो भी गूगल पे एग्जिस्ट करता है, जो भी URL वेबसाइट, आप उसको एक ऐप में चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है। मैं इसके पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस ऐप का यूज़ क्या है। इसके लिए एक ऐप लगता है जो कि आपको वेबसाइट एक एंड्रॉयड ऐप में करके देगा। तो ये वीडियो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा ऐप है ये, आपके पूरे डेली वर्क को एकदम ईजी बना के रख देगा। सपोज़ आपको एक वेबसाइट है जो आपको हर रोज़ खोलनी पड़ती है, और क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ, फिर सर्च मारो, फिर लोडिंग को टाइम, ऐसा नहीं करना है आपको। एक शॉर्टकट मेथड है, आप ऐप को उस कन्वर्ट कर लेंगे आप तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसा एक शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही अच्छा ऐप है उसका। तो मेरी अगली वीडियो में देख लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी होगी। और तो चलिए मैं वो आपको ऐप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यही है वो ऐप जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी भी वेबसाइट को ऐप में चेंज करने के लिए। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर ईजीली अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलते ही आपको ऐसा इंटरफ्रेंस मिलेगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि क्रिएट योर फर्स्ट लाइट ऐप। तो इधर क्लिक करते हैं हम। तो आपको अगर अपना रेडीमेड ऐप बनाना है, या फिर इसने जो रेडीमेड ऐप बनाया है वो आपको चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, इसने बहुत सारे ऐप रेडीमेड बनाए हैं, तो आपको इसमें से जो पसंद आया वो आपके काम का है, वो आप इसमें से ले सकते हैं। या फिर आपको अपना बनाना है, जैसे कौन से अलग वेबसाइट है तो उसको आपको बनाना है, क्रिएट करना है उसका ऐप, तो यहाँ पे उसका URL डालिए। या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, ये डायरेक्टली आपको गूगल पे लेके जाएगा, क्योंकि आपको अगर उसका URL नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं गूगल के जैसा। तो यही है वो वेबसाइट जिसका मैं आपको ऐप बना के दिखाने वाला हूँ। ये एक्चुअली एक क्लिप में करे, इंट्रो में करे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बस ऐसा इंटरफ्रेंस आएगा। तो देखिए, इधर आएगा कि क्रिएट, तो आपको इधर बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये ऐप बनाना शुरू हो गया है और ऐप बन भी गया है। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर थी। और आप ये यहाँ पे सीधा स्वाइप करके यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। मतलब चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। तो आपको ये पूछेगा ऐड टू होम स्क्रीन, ये ऐप होम स्क्रीन पे ऐड करना है क्या, तो मैं ऐड कर ही देता हूँ। तो देखिए, ऐड हो गया है होम स्क्रीन पर। जो चलिए देखते इसे ऐप को। तो देखिए, ये है वो ऐप होम स्क्रीन पर आ गया है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो देखिए, डायरेक्टली ओपन हो गया है वैसा। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इस ऐप को एज अ शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बहुत आप इधर ऐसे स्वाइप करके भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे स्वाइप करेंगे आप तो ऐसे ही पैनल ओपन हो जाएगा। आप इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको ये वेबसाइट को शेयर करना है, या इसका URL कॉपी करना है, आगे प्रिंट है, और बहुत सारे ऑप्शंस है। इधर फ्रेमलेस किया तो देखिए ऐसा आएगा। तो इधर का वो फ्रेम है ना, यहाँ का वो फ्रेम था वो हट जाएगा। और एक है ये फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है, ये जो आपका ये है ना ऊपर का, ये भी चला जाएगा एकदम ऐसे। मतलब फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। देखिए, तो ऐसा फुल स्क्रीन भी हो सकता है ये। देखिए, बहुत ही काम की वेबसाइट है एक। तो इधर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर का ना ये आप एक्चुअली डार्क मोड ओपन हो गया है, तो आप डार्क मोड को बंद कर सकते हैं।
और आप इसे डेस्कटॉप मोड पे भी ला सकते हैं, डेस्कटॉप मोड पे भी, मतलब डेस्कटॉप पे आपको जैसा दिखे, मतलब लैपटॉप पीसी में जैसा दिखता है आपको उसमें वैसा दिखेगा ये। तो देखिए ऐसा भी है। तो इसमें आप टेक्स्ट की साइज वो भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक। तो देखिए ये टेक्स्ट की साइज़ अगर मुझे बड़ी करनी है, अगर आपको टेक्स्ट दिख रहा नहीं है तो आप इसकी साइज़ भी बड़ी कर सकते हैं। देखिए देखिए साइज़ बड़ी हो गई वो टेक्स्ट की, और आपका अगर छोटी करनी है तो ये देखिए हो गई छोटी उस टेक्स्ट की साइज़। तो देखिए आप ऐसा भी उसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस है इस ऐप का। तो आप इसे एज अ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली ब्लैक कलर का लोगो है इसलिए ब्लैक कलर के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं और अपना डेली वर्क कर सकते हैं इस ऐप से। इसके मैं फ़ायदे और नुकसान बताने वाला हूँ सब अगले वीडियो में, तो उसके वो भी देखना, मेरा अगला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत है। तो मुझे पर्सनली यूज़ करके बहुत अच्छा लगा इस ऐप को, तो ये ऐप बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे अपने डेली यूज़ वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साइड में जो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा देना, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।